मंत्री व विधायकों का आयकर हिमाचल सरकार नहीं भरेगी, स्वयं भरना होगा। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों विधायकों का आयकर अब सरकार नहीं भरेगी। मंत्रियों व विधायकों को आयकर का भुगतान खुद करना होगा। अभी तक मंत्रियों का आयकर प्रदेश सरकार और विधायकों का आयकर विधानसभा देती थी। इस पर सालाना 2.35 करोड़ रुपए खर्च होते थे। आयकर भुगतान की प्रणाली में बदलाव के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन करने के मद्देनजर अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत रखे 2655 शिक्षकों को राहत देते हुए उनकी सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उन्हें एक साल का एक्सटेंशन देने का फैसला लिया गया। विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया गया। इन क्लिनिक में टेस्ट के साथ टीकाकरण व अन्य सुविधाएं होंगी। इनमें चिकित्सक भी तैनात होंगे। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ होगा। बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में महिला लाभार्थियों के लिए अनुदान बढ़ा। सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनुदान में 5% की वृद्धि की है। अनुदान को 30% से बढ़ाकर 35% किया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों को 30% अनुदान मिलेगा, पहले ये 25% था। सड़कों के रखरखाव के लिए 5000 कर्मी भर्ती करने के लिए नीति बनेगी। लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव के लिए 5000 कर्मियों की भर्ती के लिए नीति बनाने का फैसला लिया गया। सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग में 4500 रुपए मासिक मानदेय पर इन कर्मियों की भर्ती होगी।